नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू जायसवाल के साथ मैं मौजूद हूँ संभाग के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक रीवा के TRS कॉलेज में। 15,000 से ज़्यादा छात्रों वाला यह कॉलेज एक नई उपलब्धि के साथ सामने आया। जी हाँ, कोरोना काल चल रहा है, संकट की घड़ी है, हर घर में रोजी रोटी का संकट। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन ने तय किया कि हम यहाँ के छात्रों को कुछ इस तरीके से प्रेरित करेंगे, कुछ ऐसा हुनर देंगे जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से वो अपने और अपने परिवार का भरण पोषण आगे भी कर सकें। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। आज हम उन्हीं से बात करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे ये करियर काउंसलिंग मार्गदर्शन में आखिर होगा क्या, मध्य प्रदेश में पहला सेंटर है ये, सेंटर किस तरीके से काम करेगा। तमाम बातों के लिए हमारे साथ कॉलेज के इस समय जो वर्तमान प्राचार्य हैं, हालांकि जो रेगुलर प्राचार्य हैं वो छुट्टी में, चार्ज इन्हीं के पास है, चतुर्वेदी जी, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, जैसा कि कहा जाता है वैदिक शास्त्रों में जिस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत होती है, हम चाहेंगे कुछ उसी तरीके से अब हमारे कार्यक्रम का आगाज हो। जी बिल्कुल ठीक है। ओम विश्वानि देव सवितुर दुरतानि पराशुभ यद भद्रम तन्नयाशुभ ओम देवः शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु। वैदिक परंपराओं का निर्वहन तो हमने कर लिया, प्राचीन कॉलेज है, 100 साल से ज़्यादा का इतिहास है। आज कॉलेज ने एक नया काम स्टार्ट किया है, वो काम क्या है और किस तरीके से हो? मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये रीवा संभाग का सबसे बड़ा जो कॉलेज है, ऐतिहासिक कॉलेज है, इसको विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन के अंतर्गत एक डिवीजन संभाग का केंद्र बनाया है और उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, जिसके कारण हमारे महाविद्यालय के भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर अच्युत पांडे को इस कार्य के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है। काम किस तरीके से काम करेगा? ये काम करने का तरीका ये है कि पूरे रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, सिंगरौली को मिलाकर के यहाँ के कॉलेज के लोगों को इन्होंने अपने में एक ऑफिसर नियुक्त किया है शासन स्तर से, और वो वहाँ के छात्रों को हमारे यहाँ के कैरियर काउंसलिंग से जोड़ेंगे। और जो लड़का किसी चीज़ का संदेह पैदा होता है, जो किसी चीज़ का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है कि हम इसको कैसे समझें, उसको समझाने के लिए इन्होंने एक्सपर्ट नियुक्त कराया है, और उस वो एक्सपर्ट विषय सब्जेक्ट के उस छात्र को उसकी समस्या का निदान करेंगे, और वह छात्र जब संतुष्ट होगा तो अपने परिवार का, अपने समाज का भरण पालन पोषण करेगा। और जो अवसाद की ओर कोरोना काल में लोग जा रहे हैं, उनका जो मन गिरावट की ओर जा रहा है, वह निश्चित रूप से चैतन्य होगा और एक काम करने की एक जागृति, एक मन में एक उत्साह पैदा होगा कि नहीं, हम केवल कोरोना काल में अवसाद में नहीं जा सकते, हम ये भी कर सकते हैं, हमारे पास ये भी उपाय है, हम इस तरीके से अपने आप को सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए यह हमारा जो परामर्श और मार्गदर्शन केंद्र है, हमारे डॉक्टर अच्युत पांडे जिसके नोडल अधिकारी हैं, निश्चित सफलता के सोपान पर इसको ले जाएंगे। बहुत छोटा सा हमें काम करना है, काम केवल इतना है, हमारे पास एक्सपर्ट की पूरी फौज मौजूद है, कॉलेज में हर विषय के एक्सपर्ट मौजूद हैं, संभाग में हर विषय के एक्सपर्ट मौजूद हैं, बस हमें उन छात्रों को ढूंढना है जो अपनी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके मन में कई शंकाएं हैं। उन शंकाओं का अगर निवारण हमने कर दिया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके भविष्य को हम बना लेंगे। इसी को लेकर हमारे साथ इतिहास के एक प्रोफेसर भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे इतिहास में अपना फ्यूचर, अपना भविष्य कैसे बनाया जा सकता। मैं डॉक्टर CM मिश्र, शासकीय TRS कॉलेज रीवा। जावेद जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, और मुझे पता चला कि मैं इतिहास विषय का एक्सपर्ट हूं, और मैं ये मानता हूं कि इतिहास विषय निस्संदेह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है।
पहली उपयोगिता तो यह इसकी है कि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी परीक्षा होती है उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन इतिहास से संबंधित पूछे जाते हैं, चाहे वो IAS हो, चाहे UPSC के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे PSC हो, चाहे दरोगा की परीक्षा हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि छात्र इतिहास को ठीक ढंग से समझेंगे तो वो सफल होंगे। दूसरी बात यह है कि इतिहास, आप जानते हैं कि वर्तमान में हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं की जड़ इतिहास में है, तो यदि हम वर्तमान को अतीत से जोड़ेंगे तो निस्संदेह हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने में कामयाब होंगे। दूसरी बात, प्रशासनिक दक्षता और क्षमता दोनों हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, और यदि हमारा विद्यार्थी इतिहास विषय से परिचित होगा तो वो निश्चित है प्रशासनिक क्षमता भी उसमें विकसित होगी और अच्छे से अच्छे काम कर पाएगा। आज महती इसकी आवश्यकता है। और जो इतिहास से संबंधित मेरे ख्याल से ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम जब तक अपने देश के इतिहास को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक ना हम अपने देश के लायक रहेंगे और ना ही हम एक अच्छे राष्ट्रीय व्यक्ति हो सकते हैं और ना ही हमारा राष्ट्र प्रगति कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास इस क्षेत्र में बहुत आगे हमारे लिए उपयोगी विषय हो सकता है। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय इतिहास को समझ ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्षेत्रीय, आप जानते हैं कि हमारे इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पुरातत्व विभाग से हालांकि संबंधित हैं वो, और इनका सर्वे कार्य भी चल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन गतिविधियों से इतिहास के विद्यार्थी को जोड़ना चाहिए, तो हमारा क्षेत्रीय इतिहास भी परिपक्व होगा और हम क्षेत्रीय इतिहास को जब ठीक से समझेंगे तब हम और अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं और रोजगार के लिए हम इस संबंध में बहुत सारे काम कर सकते हैं। शुक्रिया। बहुत सारे काम कर सकते हैं, हालांकि इतिहास के बारे में अभी तक बहुत सारी भ्रांतियां थी। सबसे बड़ी भ्रांति तो यही थी, इतिहास केवल शहर का नाम बदल दो, पुराने इतिहास को नया कर दो, आम तौर से लोग यही मानते थे। लेकिन जिस तरीके से इतिहास एक्सपर्ट ने ये बताया कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसका सीधा सा मतलब है अगर आपने प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो इस सब्जेक्ट को लेकर आप अपना भविष्य बना सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कैरियर काउंसिलिंग के इंचार्ज अच्युत पांडे से। मेरा सर एक बहुत छोटा सा और सीधा सा सवाल है, ये कैरियर काउंसलिंग जिस तरीके से आप करेंगे, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में कैरियर काउंसलिंग कैसे करेंगे, बड़ा सवाल है। जावेद जी आपका धन्यवाद। देखिए, इस जो कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श केंद्र की जो स्थापना हुई है ये प्रदेश में पहला सेंटर बनने जा रहा है। आपने जो क्वेश्चन किया कि ये कैसे कोरोना काल में आप कैसे लड़कों की काउंसलिंग और एडवाइजरी करेंगे, इसके लिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग एंड एडवाइजरी सेंटर है। मतलब इसमें लड़के को ऑफिस में नहीं आना पड़ेगा, वो अपने घर पे बैठे हमारे हमसे मोबाइल में लिंक में हमसे शेयर कर सकता है, हम उसकी समस्या का समाधान और उसकी रुचि के अनुसार विषय लेने में उसकी हर संभव मदद। कितने तरीके के, जैसा कि कैरियर काउंसलिंग में कैरियर बनाने के बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, बहुत सारे विषय होंगे, तो फिलहाल जैसा कि मध्य प्रदेश में रीवा को चुना गया है, अब एक इसमें बड़ा सवाल हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, खास तौर से वो छात्र जो इस समय आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, कितने सब्जेक्टों को लेकर आप कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं? देखिए, हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है संकाय वाइज आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, इसके 3 जो फैकल्टी हैं, इस फैकल्टी को हमने सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे साइंस फैकल्टी में फिजिक्स और फिजिक्स बॉटनी जूलॉजी मैथ्स कंप्यूटर साइंस, इसी प्रकार आर्ट्स में हमने हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, इसी तरह हमने कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स अप्लाइड होते हैं इन सभी के एक्सपर्ट्स, इस तरह से मतलब हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, टोटल एक्सपर्ट मैंने 35 चूज किए हैं, वो इन बच्चों की काउंसलिंग भी करेंगे और एडवाइजरी भी करेंगे। काउंसलिंग दैट मींस यदि वो कॉलेज में नया बच्चा प्रवेश लेने आता है और वो कॉमर्स साइड से लेने आता है तो वो पूछेगा, सर मैं कॉमर्स जो ले रहा हूँ इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, मैं
क्यों ले रहा हूँ? तो पहले पूछेंगे क्या आपको ये प्रेशराइज किया गया है कि आप कॉमर्स ही लो और आप लो, तो उसकी जिज्ञासा को हम जब ये जान लेंगे कि नहीं इसका ये खुद का इंटरेस्ट है, पहली चीज जब खुद का बच्चों का इंटरेस्ट होगा तो वो सब्जेक्ट को वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगा और ज़्यादा अच्छे से जब पढ़ेगा तो वो आने वाले प्रोस्पेक्ट्स में अपना कुछ ना कुछ आत्मनिर्भरता के लिए साधन जुटेगा। लेकिन यदि उसको प्रेशराइज करी उसके पेरेंट्स ने, उसके फ्रेंड्स, नहीं यार मैं कॉमर्स ले लूँ तुम भी ले लो, तो इस कंडीशन में उसका जो फ्यूचर है डगमगा जाएगा। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर और भी पैदा होता है, ये तो हुई पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें कि आप, हम अगर कॉलेज में हमारा बच्चा एडमिशन लेने आता है तो आप उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसके जो भी पसंदीदा सब्जेक्ट हैं उसको चुनने की कोशिश करेंगे जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट होगा। हालांकि अभी तक यही होता था, घर परिवार के दबाव में बच्चे किसी भी सब्जेक्ट को चुन लेते थे और आगे जाके फेल हो जाते थे। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल और भी आता है, ये तो हुई पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई बातें जिस पर कि हमारा साफ तौर से कॉलेज का, यहाँ के प्रोफेसरों का फोकस होगा कि बच्चों को जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट हो उसी फील्ड में उनको आगे बढ़ाने की कोशिश हो। अब कैरियर काउंसलिंग की बात है, क्या अभी इस तरीके की भी कोई प्लानिंग है कि बच्चों को जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है उनको रोजगार के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाए जिससे वो रोजगार की ट्रेनिंग उपलब्ध करने के बाद भी अपनी दाल रोटी की व्यवस्था कर सके, या भविष्य में इस तरीके की प्लानिंग होगी? जरा इसको भी ब्रीफ करिए। जावेद जी, अभी विगत जनवरी फरवरी में पूरे मध्य प्रदेश में से कैरियर मार्गदर्शन योजना के तत्वाधान में स्टेट इकाई ने 18,000 बच्चों को, प्रदेश के पूरे 18,000 बच्चों को अलग अलग फील्ड पे एग्रीकल्चर, आईटी, ई कॉमर्स और टेक्सटाइल, इस तरह से मिला के जितने भी जो फील्ड्स हैं इसमें हमारे प्रदेश के 18,000 बच्चे, और यदि मैं रीवा संभाग की बात करूं तो 2,000 बच्चों को डिफरेंट फील्ड में प्रशिक्षित किया गया है और उसको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिला है। यदि ये बच्चे सिंसियरली इस सर्टिफिकेट को उपयोग और जो ट्रेनिंग दी गई है एक महीने की उसको सही ढंग से उन्होंने ट्रेनिंग किया होगा तो निश्चय ही इस ट्रेनिंग के माध्यम से वो अपने को आत्मनिर्भर बना सकने में सक्षम होंगे। 2000 बच्चों को हम अभी तक ट्रेनिंग दे चुके हैं, इसका सीधा सा मतलब है कैरियर काउंसलिंग सही दिशा में धीरे धीरे काम करने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि कॉलेज के प्रोफेसर्स इस बात को तो आसानी से बता सकते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट को लेना है, इस सब्जेक्ट को नहीं लेना है, उसकी बेहतर तरीके से काउंसलिंग कर। लेकिन एक इसमें बड़ी बात जो ये निकल के आई, हम उन बच्चों का भविष्य भी बनाते हैं जो पढ़ाई के बाद उस फील्ड में जाकर काम करते हैं जिस फील्ड पर उनका इंटरेस्ट होता है, उनको हम रोज़गार भी उपलब्ध करा सकते हैं। और ये आंकड़ा 2000 को अभी तक पार कर चुका है। हमारी नज़र इस पूरे कैरियर काउंसलिंग पर लगातार बनी रहेगी, यहाँ की जो भी अपडेट होंगे वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।